नमस्कार सभी बच्चों को, मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, ये जो क्लास है मैथ की क्लास है, और मैथ में जो आपका चैप्टर चल रहा है आयतन वाला, या क्षेत्र आयतन वाला चैप्टर चल रहा है। क्षेत्रफल तो आपको कंप्लीट करा चुके हैं, और मैथ है आपका आरएस अग्रवाल वस्तुनिष्ठ, जिसमें दो क्लासें हो चुकी हैं और 22 तक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। उससे आगे बढ़ने से पहले, अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप अवश्य दबा लें। और इससे अलग SD यादव मैथ नई या पुरानी, या आपकी जो नवीन आरएस अग्रवाल आई है उसकी कोई भी क्लास आपको देखनी है, तो हमारे चैनल की आप प्ले लिस्ट चेक करें, वहाँ आपको क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिएगा, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएंगे। 23वां क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार प्लॉट का आकार 240 मीटर गुणा 180 मीटर है, मतलब इसकी लंबाई 240 और चौड़ाई 180 मीटर है। इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ी नाली बनाई गई। देखिएगा, एक ऐसा आयताकार है, इसकी लंबाई जो है वो 240 है, और ऐसे ये चौड़ाई 180 है। कितनी है? 180 है। इसमें कहा गया इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ी नाली बनाई गई है। इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ी नाली है, चारों ओर। इसके चारों ओर जो है 10 मीटर चौड़ी नाली है। ठीक है, 10 मीटर चौड़ी क्या है? नाली है, ये नाली। ठीक, अच्छा, उससे आगे क्या बोला गया है? इस नाली से निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में समान रूप से फैला दिया गया है, जिससे उसके स्तर में 25 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। नाली की गहराई कितनी है? तो नाली से मिट्टी निकालिए, पहले आप नाली का क्षेत्रफल निकालो। नाली का क्या निकालो? क्षेत्रफल। अब देखो, नाली का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये लिखा हुआ है A B C D। ठीक है, इसे आप ई मानो, EF GH। तो ABCD के क्षेत्रफल में से EFGH का क्षेत्रफल घटा दो तो नाली का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ABCD है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, ये रास्ता जो नाली है 10 मीटर चौड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक 10, और यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये जो लंबाई है 240, ये 10 बढ़ जाएगी, 10 इधर से और 10 इधर से, तो 20 बढ़ जाएगी ये, तो ये 260 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 260 गुणा आयतन निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे ABCD माइनस EFGH, तो वो नाली का क्षेत्र बचेगा। कौन सा क्षेत्र बच जाएगा? नाली वाला क्षेत्र आपका बच जाएगा। अच्छा, ये चौड़ाई भी ऐसे ही होगी, 10 इधर से बढ़ेगी और 10 इधर से बढ़ेगी ऐसे, तो 180 में 20 जोड़ो तो 200 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसमें से अंदर वाला क्षेत्र घटा दो, तो इसकी लंबाई तो 240 है और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 180। चौड़ाई कितनी है? 180 है। ठीक है, 0 0 0, और 2 6 12 को 2 2 3 4 1 5। ठीक है, माइनस 2 0 18 6 72 को 2 हासिल 7, 18 2 36, और 7 कितना हो जाएगा? 43। ठीक, इसमें से इसे आप माइनस करो तो 2 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे, और 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, यहाँ बचा एक हो गया 11, 11 में से 3 गए तो 8 आ जाएगा, 11 में से 3 गए तो 8 आ जाएगा, तो बस ये 8800 बच गया। तो ये नाली का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? ये नाली का क्षेत्र है। अब इसमें से मिट्टी निकाली गई है, तो जब गहराई की बात कर रहा तो ऊंचाई भी होगी, और ऊंचाई अगर आ जाती है तो फिर आयतन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयतन, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसमें ये बोला भी गया है, इसी क्वेश्चन में इसमें ये कहा गया है, इस नाली से निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में समान रूप से फैला दिया गया। तो शेष भाग तो यही है, ये अंदर वाला जो भाग है इसमें फैला दिया गया है, और फैलाने के बाद हुआ क्या है, उसकी जो ऊंचाई है वो 25 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी है ऊंचाई में। ठीक है, तो वहां भी ऊंचाई आ गई है शेष में, शेष ये है EFGH, इसमें फैलाई गई है यहां से निकाल के, तो इसमें ऊंचाई आ गई है और इसमें भी ऊंचाई, मतलब हमको बूझ रहा है कि गहराई कितनी है, तो गहराई से मतलब ऊंचाई का ही होता है, तो ये तो नाली की लंबाई गुणा चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई नाली की, और ऊंचाई सपोज करो एच, या गहराई एच है। अब इसे किसके बराबर रखा जाएगा? ये जो नाली का जो आयतन है, इसे इस भाग के आयतन के बराबर रख दो, क्योंकि इसकी मिट्टी जिसमें फैलाई जाती है उसके बराबर रखा जाता है, तो इसका जो आयतन होगा वो भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई इसकी 240 है, ऊंचाई मतलब चौड़ाई इसकी 180 है, और ऊंचाई कितनी बढ़ी है? 25 सेंटीमीटर बढ़ी है, तो उसके मीटर बनाने होंगे, उसके क्या बनाने होंगे? मीटर आपको बनाने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 27, क्योंकि सेंटीमीटर है ये 23 है, तो उसके आपको मीटर बनाने होंगे, तो 100 से हमने डिवाइड कर लिया, बस इसको आपको सोल्व मात्र करना है, तो 25 चौका तो 100 होते हैं। ठीक है, और इसकी दोनों जीरो से आप ये दोनों जीरो आप खत्म कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप, और 4 से ये 6 बार, और 4 से ये 22 बार, ठीक है, और कैंसिल करना चाहो और कर लो,
दो से ये तीन बार और दो से ये कितना 11 बार, तो इसे 11 को इधर ही लेके आ जाओ, तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 * 54 बटे 11 * 44, ठीक है। तो 54 / 44 हो गया। अब देखो पॉइंटों में है सारे ऑप्शन इसके, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, अभी दो से कैंसिल कर लो आप इसको, तो 2 * 2 = 4 बचा एक, 2 * 7 = 14 और 2 से इसे भी करेंगे 2 * 2 = 4 2 * 2 = 4। अब 22 से 27 को भाग कर लो, 22 से 27 को भाग करो आप, तो एक बार ही चलेगा, 22 ही कम 22 है ना, तो 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, या दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 0, तो 50 हो गया। तो 22 * 3 कितने होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, 22 * 2 पे चला लो 44, 22 * 2 = 44 होते हैं, तो 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा, दशमलव लगी हुई है फिर 0 उतार लेंगे, तो ये पे फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो 22 * 2 वो ऑप्शन मिलान कर लो आप, तो आपका अच्छा। अभी एक बार और आपको करना पड़ेगा, जब ये थोड़ा सा क्लियर होगा, तो 22 * 2 कितने हो जाएंगे 44, तो फिर आप इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो 10 में से 4 गया तो 6 बच जाएगा, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1 बच जाएगा, अब 0 आपकी है ही, ठीक है। और 22 छक्का कितने हो जाएंगे आपके, 2 छक्का 12 को 2 2 छक्का 13 कम है तो 7 पे चला लो, 7 पे, तो 7 * 2 = 14 और 7 * 2 = 14 = 15, ठीक है, 8 पे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1.227 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.227 मीटर, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, चलिएगा आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 में है क्या, 24 में है एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रम से एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड है, तो ये इसके 3 संगत फलक हैं घनाभ के। अब ध्यान से सुनना, ये जो इसके फलक होते हैं, तो ये पहला जो फलक होता है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x की जगह तो लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगा, और ये जो y है ये होता है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। और ये जो तीसरा फलक होता है z, ये होता है ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। इस तरह से होते हैं ये, तो x गुणा y गुणा z बराबर, जब आप इनकी गुणा करोगे तो l स्क्वायर b स्क्वायर और h स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं x गुणा y गुणा जेड, और ये किसके बराबर हो जाएगा एल बी एच का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। और जब इस पे से स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पे रूट आ जाएगा, क्योंकि आयतन बूझ रहा है ना, तो आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तो इस पे से स्क्वायर हटाना होगा, अगर इधर से स्क्वायर हटाते हो तो इस पे रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स वाई जेड, और इधर क्या बचा एल बी एच, एल बी एच, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे, 25 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी थोड़ा सा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इसने कहा है ए बी सी भुजाओं वाले एक घनाभ का आयतन v घन इकाई है, तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल s वर्ग इकाई है, तब 1/v बराबर पूछ रहा क्या होगा, 1/v बराबर आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो आप क्या करो, 1/v बराबर आप क्या कर सकते हो, s अपॉन v इंटू 1/s, ऐसे करो आप। देखो ये अब भी 1/v ही है, क्यों, s से s कट जाएगा, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा ये फंडा, 1/v तो बराबर में 1/v ही आप रखना है, तो s अपॉन s, तो s से s कट जाएगा, तो 1/v ही है ये, ठीक है। अच्छा अब इसने इसकी लंबाई चौड़ाई आपको कितनी कितनी बताई है, तो इसने जो इसकी लेंथ आपको बताई है, ए भुजाएं जो हैं उसकी ए बी सी हैं, और ये घनाभ है, घनाभ है तो इसका जो है v तो आयतन है और S संपूर्ण पृष्ठ है, तो ये जो आयतन है आपका ये वाला आयतन, तो ये क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसकी जो भुजाएं हैं वो ये, तो ए बी सी हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा ए बी सी, तो S अपॉन या इस S की वैल्यू रख लो आप, इस S की क्या रख लो, वैल्यू रख सकते हो आप, दोनों S की रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, किसी एक S की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, तो ये जो घन S है ये संपूर्ण पृष्ठ, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ठीक है, ये लीजिए, और बटे में क्या है, ये जो आपका आयतन है ये होता है a मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपका होता है, बात समझ में आई आपको, ठीक है। और अभी तो 1/s बचा हुआ है, तो अगर यहाँ भी हमने s की वैल्यू लिख दी तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे ही रहने दें, इसे आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब l की जगह तो a है, b की जगह b ही है, और h की जगह c है, तो इनको चेंज कर लो आप, ठीक है, 1/v आपका चल ही रहा है ये, तो 2 गुना L की जगह ए है, B की जगह B ही है, B की जगह B है, H की जगह C है और A है, ठीक है, और बटे में भी यही हो जाएगा A B C, ठीक, और गुणा में 1/s, ठीक है। अब जब आप यहाँ इसको A B C से इसे भाग करोगे तो A B C A B कट जाएगा, तो यहाँ 1/c बचेगा। अच्छा इसे S को इसके बटे में लिख लो, तो 2/s 2/s,
और ए बी सी से इसको डिवाइड करोगे तो एक बटे सी बचेगा प्लस, अब ए बी सी से बी सी को भाग करोगे तो एक बटे बी बचेगा प्लस, अब ए बी सी से सी ए को भाग करोगे तो एक बटे बी बचेगा, एक बटे क्या बचेगा बी बचेगा, ठीक है। अच्छा इसको आप सीरियल से लिख सकते हैं, एक बटे ए प्लस एक बटे बी प्लस एक बटे सी आप इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, ठीक है। तो बस इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेना ध्यान से, इसको इस तरह ही किया जाता है इस क्वेश्चन को। चलिए इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे। 26, अब 26 में क्या है, 26 जो है ये कह रहा है एक कमरा 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है यदि फर्श तथा छत के निचले भागों के क्षेत्रफल का योग, फर्श तथा निचले भाग के क्षेत्रफलों का योग। तो जो फर्श का क्षेत्रफल होता है और वही छत का होता है, क्योंकि छत और फर्श इक्वल होते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है इसमें, ठीक है। तो इसने बोला क्या है, तो इसको आपको इसने इसकी लंबाई दी और चौड़ाई दी, फिर ये कंडीशन दिए एक फर्श तथा छत के निचले भाग के क्षेत्रफलों का योग। तो देखो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा और छत का भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो उसका योग जो है, उसका जो योग है चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो इसमें ए एल और बी इसने आपको दी है, तो उनकी वैल्यू रख दो आप। तो एल कितनी है, 15। अच्छा आप इसको ऐसे करें, 2 × L × B, ठीक है ऐसा। देखो ये भी एल बी है, ये भी एल बी है, ठीक है, और बराबर में है 2 × L। कितना है L, उसने आपको 15 दिया है, और B कितना है, वो उसने आपको 12 दिया है, ठीक है, गुणा H, गुणा H, ठीक 12 हो गया ये और गुणा में ये H हो गया है। अच्छा 2 × L कितना है आपका, 15 है, और B कितना है आपका, 12 है, और बराबर में 2 × 5 = 7 और एक 2, तो 27 और गुणा H हो जाएगा, ठीक है। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 बार कैंसिल, 3 से ये 5 बार कैंसिल, तो 5 × 20 और 20/3 हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 20/3 हो गया। तो ये तो इसकी ऊंचाई आ गई, ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तो इस कमरे का आयतन कितना होगा, तो आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, आयतन में क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आयतन बराबर होता है L × B × H, ठीक है। तो L और B तो उसने ही दिया है हमको, और L कितना दिया है उसने हमको, 15 दिया है, B कितना दिया है उसने हमको, तो B उसने 12 दिया है, और H कितना दिया, H हमने भी निकाला 20/3, ठीक है। तो 3 से ये 4 बार कैंसिल, 15 चौका कितने हो गए 60, और 60 की 20 में गुणा करोगे तो 6 × 12, तो 1200 हो जाएगा, तो 1200 घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। 27 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो 27 में क्या है, 27 है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 है, मतलब L प्लस B प्लस H ये कितना है 19 है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। आगे कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई जो है 5√5 है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का जो विकर्ण होता है वो कितना दिया है इसने, 5√5 दिया, पर घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है घनाभ का, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर ये होता है। अब देखो जब तक रूट है जब तक क्वेश्चन होगा नहीं, और रूट वर्ग से कैंसिल होता है, तो दोनों तरफ का आप यहाँ वर्ग कर दो, तो 5 का वर्ग 25 और √5 का वर्ग 5, तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और बराबर इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के एच स्क्वायर, इसे आप यहीं छोड़ दें। अब हमारे पास इनके वर्गों का भी योग है और इनका भी योग है। अच्छा आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये, तो इसने ये कहा है इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बुझ रहा है ना, तो इसका आप दोनों तरफ से वर्ग कर लो, इसका क्या कर लो आप दोनों तरफ से वर्ग, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर, बात समझ में आई आपको, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं इसको, अब देखो एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर है, और प्लस 2 × LB प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ये होगा जब आप इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, ठीक। और 19 का वर्ग कितना होता है 361, तो 19 का वर्ग कितना होगा 361, बात समझ में आई आपको। अच्छा ये हमारे पास है,
और कितना है ये, अभी तो निकाले थे यहाँ पे हम, ये रहा 125 है, तो इसकी जगह तो 125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125। ठीक है, अब तुम कहोगे इसका क्या करोगे, तो ये संपूर्ण पृष्ठ ही होता, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यही होता, तो इसकी तो वैल्यू निकालनी हमें, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 2 हटाना होगा वो हटा देंगे, तो 361। अब ये 125 को आप उधर ले जाओ पहले, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल। ठीक है, इसे आप उधर ले जाएंगे, तो 11 में से 5 गया तो 6। ठीक है, अब यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया तो 3, हाँ अब यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, तो ये कितना आ गया है 236। तो 236 इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया है 236 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिएगा इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएंगे। 28 देखो, 28 में क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसने ये कहा है 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर के साइज वाली ईंटों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला, एल बी एच दे दिया है, कुछ नहीं करना, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो ए बराबर 2 इंटू, तो एल कितना दिया है उसने 10 और बी कितना दिया है उसने 4 प्लस 4 गुणा एच कितना दिया है उसने 3 प्लस एच 3 है और एल कितना है आपका 10 है। ठीक, तो ए इंटू 2 इंटू, तो 10 चौक 40 और 4 तिया 12 और 10 तिया 30, तो ये कितना हो जाएगा सारा जुड़ के 2 गुणा, तो 40 30 70 तो यही होगा भाई, 40 और 30 70, 70 और 10 80 82 हो गया, कितना हो गया 82। अब 82 में आप 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 28 16, तो 164 संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा इसका 164 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं क्या है। एक घनाभकार संदूक के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रम से 120, 72 तथा 60 वर्ग सेंटीमीटर हैं, इस संदूक का आयतन कितना होगा। आपसे आयतन पूछ लिया, संदूक का आयतन, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, किसी का भी आयतन आपको निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ना करना, बस इनकी गुणा मात्र आपको करनी पड़ेगी, इनकी गुणा मात्र आपको करनी पड़ेगी, पर इसमें एक दिक्कत है, देखो इसने फलक दिए हैं, तो फलक जो होता है, सपोज करो पहला फलक x है, तो ये x जो होता है ना, ये l गुणा b होता है, और दूसरा फलक y है, तो ये क्या होता है b गुणा h होता है, और तीसरा फलक सपोज करो z है, तो ये क्या होता है h गुणा l होता है, h गुणा l। अब अगर इन सबकी तुम गुणा करोगे तो x गुणा y गुणा z बराबर इनका सबका स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर b स्क्वायर और एच स्क्वायर, मतलब सब पे ना स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अलग अलग स्क्वायर ना चढ़ा के आप ऐसा भी कर सकते हैं, एल बी एच का होल स्क्वायर, एल बी एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब इस तरह से आप स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। तो बस इतना काम आपको इसमें करना पड़ेगा। अब ये जो है 120 गुणा इसकी एक्स की जगह आप 120 रखेंगे, ठीक, वाई की जगह आप कितना रख देंगे 72 रख देंगे, हाँ, और जेड की जगह कितना रख देंगे आप, जेड की जगह आप 60 रख देंगे। देखो ऐसे करते हैं, इसे थोड़ा सा इधर को लिखते हैं, x की जगह आप क्या रखेंगे 120, क्योंकि ये पहला फलक है, और दूसरा जो इसका फलक है वो कितना है 72 है, और तीसरा जो इसका फलक है वो कितना है 60 है, कितना है 60 है। ठीक है, और ये क्या है l स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं l गुणा b गुणा h, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको रूट आ जाएगा जब भी, और वो जब भी तो आयतन निकलेगा, क्योंकि आयतन एल गुणा बी गुणा एच होता, तो यहाँ से स्क्वायर आपको हटाना होगा, तो इसे आप हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा रूट, तो 120 गुणा 72 गुणा 60। ठीक है, ये लीजिए, और इधर क्या बचा आपका एल गुणा बी गुणा एच, और ये ही होता है आयतन, तो आयतन ही हमें निकालना था। अब देखो इसके फैक्टर करो आप, तो इसे ऐसे लिख लो 60 गुणा 2 गुणा, इसे लिख लो 2 गुणा 36, ठीक है, और इसे 60 ही रहने दो आप, तो देखो ये 60 और ये 60, तो जब रूट में दो संख्या गुणा में होती है तो एक बाहर निकलता है दो में से, तो 60 बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये 2 गुणा 2 तो एक 2 आपका बाहर आ जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा L गुणा B गुणा
एच, ठीक है, आप बस इनकी गुणा करोगे तो 60 दुनी तो 120 होता है ना, या 6 दुनी 12 और 12 छिंग 72 तो 720 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 720, तो L गुणा B गुणा H, तो इसका आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएंगे, 30 में क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में है क्या, चलिएगा। तीसवा क्वेश्चन है, एक लकड़ी के संदूक की विमाएं 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इस संदूक को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। देखिएगा, अगर लकड़ी को बनाने की बात पूछ रहा है कितनी आवश्यकता होगी, तो आपको ना संदूक का एक तो बाहरी क्षेत्रफल आयतन निकालना होगा आंतरिक, और उन आयतनों को घटा दो तो जो बचेगा वो लकड़ी ही होगी, जो बचेगा वो क्या होगा, लकड़ी ही होगी। अच्छा, तो जो बाहरी क्षेत्र आयतन इसका निकलेगा तो उसके लिए तो LBH यही रह जाएगा, LBH यही रह जाएगा, तो इसका पहले तो आप निकालो बाहरी आयतन इसका, तो आयतन होता लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है 12 और गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है 10, इसमें से घटा दो। अब आंतरिक निकालेंगे, तो आंतरिक कैसे निकलेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से मोटाई घटानी पड़ेगी आपको, और तो मोटाई कितनी दी गई है, वो दी गई है आपको 1 सेंटीमीटर, तो एक एक कम कर लो, तो 20 में से क्या 19 गुणा 12 में से क्या 11 गुणा 10 में से क्या 9, अब इनकी गुणा कर लो आप। ठीक है, तो भाई 12 दुनी तो 24 होते हैं, 12 दुनी 24 होते हैं, और एक ये लग गई जीरो और एक ये जीरो, ठीक है, इधर तो गुणा हो गया आराम से। अब इधर आ जाओ, 11 निम आपके कितने होते हैं, 99 होते हैं, है ना, या आप इस किसी की भी गुणा कर सकते हैं, 11 निम 99 या 19 की और 11 की, जैसे आप कहते तो 11 निम तो आपको 99 होते हैं और 19 की कर सकते हैं आप, तो 19 निम 171 होते हैं, 19 निम कितने होते हैं 171, तो 171 को ना 1 आ जाएगा तो हासिल 17 हो जाएगा, और 19 निम फिर 171, अब 171 में आप 17 जोड़ दो, तो पहले 171 में आप 10 जोड़ो तो 181, अब 181 में 7 जोड़ दो तो 188 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 81, तो इसे घटा लो तो 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 8 गए तो 1, ठीक है, यहाँ बचेगा 3, तो हो गए 13, और 13 में से 8 गए तो 5, बस इतना ही आपका बचेगा। ठीक है, 519 कितना बच गया, 519 घन सेंटीमीटर, तो ये लकड़ी का आयतन है, किसका आयतन है, लकड़ी का आयतन है, तो इस तरह निकालते हैं। अगर लकड़ी का निकालना होता है तो बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन घटा देते हैं, और आंतरिक आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से मोटाई को घटा दिया जाता है। ठीक है, चलिएगा, यहीं तक ये क्वेश्चन कराने थे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।